बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर को लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से धमकाने वाले को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। एक दिन के भीतर 10 लाख रुपए की मांग की थी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से हत्या की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को छतरपुर पुलिस ने बिहार राज्य के पटना शहर से दबोच लिया है। बताया गया कि 19 अक्टूबर को बागेश्वर धाम की अधिकृत मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था, जिसमें अज्ञात शख्स ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी देकर एक दिन के भीतर 10 लाख रुपए की मांग की थी। घटना की शिकायत बमीठा थाना में 20 अक्टूबर को कराई गई और पुलिस ने धारा 387-507 के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में खजुराहो SDOP के नेतृत्व में बमीठा थाना प्रभारी संजय पांडे तथा साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सिद्धार्थ शर्मा का विशेष जांच दल गठित किया गया। इसी बीच 22 अक्टूबर को आरोपी ने पुनः धमकी भरा मेल भेजकर समय समाप्त होने की बात कही। पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा साइबर सेल के माध्यम से प्रादेशिक नोडल एजेंसी को आवश्यक पत्राचार कर राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण के माध्यम से छतरपुर के इतिहास में प्रथम बार इंटरपोल की सहायता से स्विट्जरलैंड की एजेंसियों से जानकारी प्राप्त की। इंटरनेट से मिली जानकारी व अन्य साक्ष्यों को एक दूसरे से जोड़कर देखा गया तो ज्ञात हुआ कि यह कृत्य बिहार राज्य के पटना शहर में कंकरबाग इलाके में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। बारीकी से विवेचना करने पर ज्ञात हुआ आरोपी बिहार के नालंदा जिले के शंकरडीह गांव का रहने वाला है। इसके बाद छतरपुर पुलिस के एक दल ने पटना जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पुलिस ने मोबाइल भी बरामद किए हैं। सर, एक मामला आया है बागेश्वर धाम को लेकर, एक लॉरेंस विश्नोई गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 19 अक्टूबर 2023 को बागेश्वर धाम महाराज की जीमेल आईडी पर किसी लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से एक व्यक्ति के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई थी। जो रैंसम कॉल था कि यदि आप 10 लाख रुपए हमें दीजिए, अन्यथा हम आपकी जो है आपकी जान को खतरा होगा। उनके द्वारा 20 अक्टूबर को थाना बमीठा में उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत पुलिस के द्वारा अपराध नंबर 382 पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्योंकि अपराध अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रकृति का था, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें एक SIT का गठन किया गया था मेरे नेतृत्व में, जिसमें साइबर सेल और सभी लगे हुए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी प्रादेशिक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया, उनका मार्गदर्शन लिया गया और हमारी राज्य स्तरीय एजेंसियाँ और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों NIA के माध्यम से हमने इंटरपोल के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी उस मेल के और उस धमकी के संबंध में थी उसको प्राप्त किया। इस बीच में उसके द्वारा 22 अक्टूबर को एक और धमकी दी गई, जब उसको किसी प्रकार का कोई जवाब रैंसम के लिए नहीं मिला तो उसको हमने ट्रेस आउट किया। व्यक्ति बिहार के पटना का रहने वाला है। हमारी एक योग्य एवं दक्ष टीम यहाँ से रवाना हुई थी, जिसको आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसने जो जो भी ऑपरेटर्स मोबाइल सिम जो उपयोग किए थे इन सब को बनाने में, उनको प्राप्त करने में सफलता हासिल की। आज उसको हमने आरोपी को समस्त डायरी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।